Hey guys, welcome back to my channel. This is Jasmine again with a brand new video. And आज है क्या Thursday. बहुत दिनों के बाद vlogging कर रही हूँ क्योंकि इतने दिनों से सारे वही vlogs आ रहे थे जो मैंने already pre-shoot करके रख दिए थे. Pre-shoot भी क्या, जो भी हो रहा था weekend पे तो birthday हुआ तो वो सब कुछ डाला मैंने, फिर get ready with me, फिर सब कुछ. हाँ, एंड ऑल्सो थैंक यू सो मच, बहुत लोगों ने विशेज भेजे हैं उसके लिए, तो थैंक्स मेरी तरफ से एंड अंकिता की तरफ से. एंड ऑल्सो एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ जो लोग मुझे सिंगापुर से देख रहे हैं, तो उन लड़कियों के लिए इन्फो देना चाहती हूँ, लड़के लड़कियां जो भी देख रहे हैं, कि सिंगापुर में आटा नहीं मिल रहा था ना, अभी भी नहीं मिल रहा है, बट देन एक ऑस्ट्रेलिया से कुछ आटा आया हुआ है. वहां का ब्रांड है कि कहाँ का मुझे नहीं पता, फेसबुक पे भी मैंने देखा एंड अंकिता ने भी मुझे बताया कि मुरुगन स्टोर पे, जो भी सिंगापुर में मुरुगन स्टोर्स हैं वहां पे आपको 5 kg का आटा मिल जाएगा, बट बहुत महंगा मिल रहा है. आई थिंक इट्स $15 5 kg के लिए, वरना जनरली $6 $7 होता है. चलो, जिनके पास बिल्कुल ही आटा नहीं है एटलीस्ट उनको कुछ तो आटा मिलेगा, इस बात की खुशी है. ठीक है, एंड स्टॉक अप मत कीजिए, दूसरों को जिनको ज़रूरत है उनको मिलने दीजिए, है ना. तो मैं आटा तो नहीं ला रही हूँ क्योंकि मैंने उस दिन जो अंकिता लेके रखी थी, मैं बर्थडे वाले दिन अंकिता के पास से वो कलेक्ट करके लेके आ गई आटा. एंड ऑल्सो हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ यू. ऑलरेडी नवरात्रि स्टार्ट होके आई थिंक आज 4th डे चल रहा है नवरात्रि का. मैं लेट विशेज दे रही हूँ बट इट्स नेवर टू लेट, है ना. गेट रेडी विथ मी तो मैंने डाल दिया था, आप सब लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल था सोचती हूँ. एंड देखिए बहुत मोटे मोटे पिंपल हो गए पे नज़र लग गई है. सो हाँ, मैं क्या बोल रही थी, कुछ तो बताना चाह रही थी मैं. हाँ, अंकिता के जो बर्थडे पार्टी का वीडियो किया था उसमें बहुत अच्छी अच्छी डिशेस, कुछ अंकिता ने दो बहुत अच्छे डिशेस बनाए थे. बाकी बिरयानी तो बाहर से मंगवाई थी उसने, जो ढोकला एंड खमन बनाया था उसने घर पे, तो वो मुझे बहुत अच्छी लगी थी. उसका मैं वीडियो लेना भूल गई, बट देन एक शॉट में बस आया हुआ है आई थिंक ढोकला. बट स्टार्टिंग में जब उसने स्टार्टर सर्व किए थे, समोसा एंड वो सब कुछ, तब मैं लेना भूल गई, तो इसलिए मैं आज व्लॉग में बता रही हूँ. एंड ऑल्सो आज फूड क्रेडिट्स जाएंगे, बहुत लोगों ने फोटोज़ भेजे हैं तो सबको वन बाय वन हर वीडियो में मैं डालती रहूँगी. अब मैं जा रही हूँ लिटिल इंडिया क्योंकि मुझे सब्जी लानी है, नॉट ग्रॉसरी. ग्रॉसरी नेक्स्ट मंथ लाऊंगी, अक्टूबर स्टार्ट होती, तो आज मुझे लानी है सब्जियाँ क्योंकि सब्जियाँ बिल्कुल भी नहीं है घर पे. तो बिना सब्जी के पनीर विनीर ये वो बनाए जा रही हूँ मैं, दाल वाल बना रही हूँ. जा सकते हो बुआ आप यहाँ से, मैं लिए अभी मैं जा रही हूँ, ऑलमोस्ट तैयार हो गई हूँ. तो अभी बस मैं और सनी मिलके ही जा रहे हैं, दोनों लोग साथ जा रहे हैं, कुछ नहीं चाहिए. तो चलिए चलते हैं. एंड मैं ये लेके जाना प्रेफर करती हूँ क्योंकि सामान पूरा आ जाता है एंड कुछ एक्स्ट्रा लेना भी पड़ जाए तो ले सकते हैं, वरना हाथ में पकड़ के लाने को ना हाथ बहुत दर्द हो जाता है, हैवी हो जाता है ना. प्याज व्याज लेनी है मुझे 1-2-3 kg, तो इसलिए लिफ्ट भी आ चुकी है एंड ऊपर चाहिए, ऊपर ऊपर गई. सो पिछले 2-3 दिनों से इतनी गर्मी बढ़ी है ना सिंगापुर में, बहुत ज़्यादा गर्मी, जब से अंशु का बर्थडे हो था उस दिन से ही गर्मी हो गई है. सो होपफुली बारिश आए, थोड़ा मौसम अच्छा हो, हम कहीं घूमने जाए, है ना. ऐसे धूप में ना कहीं जाने का भी मन नहीं करता, अच्छा तैयार होने का भी मन नहीं करता है. चलिए फटाफट जाके आते हैं, फिर घर में काम भी है, खाना बनाना है. देखिए दिवाली के लिए ऐसे सब मिठाई वगैरह आए हुए हैं, ऐसे रेडीमेड बॉक्सेस होते हैं ना हल्दीराम्स के, जिसमें नमकीन भी है और मीठा भी है, मगर हम तो घर पे बनाएंगे ना, तो ये सिर्फ दिखा रही हूँ आप लोगों को. ऐसे नमकीन के पूरे बॉटल्स मिल जाएंगे. एंड दिवाली मार्केट भी मैं बहुत जल्द आप लोगों को लेके जाऊँगी दिखाने के लिए. और ये देखिए पटाखे आए हैं, मतलब पटाखे यहाँ पे एकदम लाइट में उड़ाए जाते हैं और ये बहुत ही लेस स्मोक वाले पटाखे होते हैं. सिर्फ ये चुरचुर बत्ती जिसको बोलते हैं ना, ये वाले उड़ाए जाते हैं सिंगापुर में, आप इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं कर सकते. और ये एक छोटे छोटे जो होते हैं ना पार्टी पॉपर्स जैसे, वो होते हैं, थोड़ा सा आवाज़ आती है बस इसकी. तो ये सब कुछ आया हुआ है, ये सारी चुन्नियाँ और ये जो जो दिवाली पे लगता है वो सारा सामान आया हुआ है अभी. सो अगर आपको फ्लावर्स लेने हैं ना तो आप यहाँ से ले सकते हो. व्हाट्स योर शॉप नेम ब्रो, टेल मी. मीनाक्षी. या लुक फॉर दिस ब्रदर एंड देन ही विल हेल्प यू विद मैनी फ्लावर्स. सो आई ऑलवेज बाय माई फ्लावर्स फ्रॉम हियर, तो मैं हमेशा लेती हूँ. एंड आज देखिए उन्होंने मुझे ना लोटस फूल दिया है ऐसे ही मुफ्त में. सो बाय.
सो अगर आप ऐसे आ रहे हो ना ये लिटिल इंडिया के बफेलो स्ट्रीट पे, तो एग्जैक्टली आपको ये मीनाक्षी फ्लावर शॉप बोल के आप यहाँ से आओगे ना, आपको पता चल जाएगा। ऐसे ये इस रेस्टोरेंट के सामने ही है इनका शॉप, देख के ही पता चल जाएगा आप लोगों को। तो अभी मेरी शॉपिंग हो गई है, मैं सनी का वेट कर रही हूँ। सनी कहीं और गए हुए हैं, तो वो आएंगे तो हम दोनों मिलके साथ चले जाएंगे घर। एंड देखिए लोटस फ्लावर दिया उन्होंने मुझे फ्री में। हमेशा कुछ ना कुछ देते रहते मैं, क्योंकि उनसे फ्लावर्स बहुत सारे ली थी मैं गणेश चतुर्थी के टाइम भी, एंड बाकी जब मैं गजरा बनाने के लिए पहनती हूँ ना तब भी मैं फ्लावर्स उनसे ही लेती थी, तो इसीलिए वो पहचान हो गए मुझे। जब भी जाती हूँ तीनों लोग भाई ना हेलो बोलते हैं मुझे, तो ऐसा है। तो अभी सामान और क्या कुछ है क्या देख रही हूँ, वरना मैं सनी का वेट कर रही हूँ बस, दैट्स इट। कितने वैरायटी के दिए आए हुए हैं दिवाली के लिए, अभी शुरू हो चुका है। लोग ना पहले से ही शॉपिंग करके रख रहे हैं आजकल, क्योंकि बाद में बहुत भीड़ हो जाती है ना यहाँ पे। सो ये देखिए सारा कुछ, बहुत वैरायटी के दिए आए हुए हैं। ओके, कितने प्यारे प्यारे लग रहे हैं, है ना। अब ये मटके शेप के कुछ नया फैशन आया है, कुछ $13 के हैं, कुछ $9 के हैं ये वाले, ऐसे सब कुछ। ये भी करवा चौथ के लिए ना ये सारे करवा आए हुए हैं, एंड ये पूरा आजकल ना ऐसा सेट मिलने लग गया है करवा चौथ के लिए। देखिए कितना कुछ आ गया है आजकल शॉपिंग के लिए, मतलब आप ऐसे नहीं लगेगा कि आप इंडिया से कहीं दूर हो, ऐसा लगेगा जैसे आप इंडिया में ही हो और शॉपिंग कर रहे हो। देखिए कितने सारे करवा आए हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, एंड यहाँ पर पूरा सेटअप हो रहा है दुकानों का, क्योंकि अभी दिवाली एंड करवा चौथ बहुत पास हैं। कितना कलरफुल लग रहा है देखिए, यहाँ तो ये लोग अभी अरेंज कर रहे हैं इस शॉप को। अभी हम घर जा रहे हैं, सनी मिल चुके हैं, यहाँ से भी घर जा रहे हैं। मैंने काफी कुछ सब्जी वब्जी ली है, आपको दिखाऊंगी क्या क्या लिया है मैंने, घर जाके दिखाऊंगी। फाइनली वापस आ चुके हैं हम, एंड एग्जैक्ट जैसे ही मैं लिटिल इंडिया के MRT पे आई, एंड सनी भी आ गए, हम दोनों का एक्सीडेंट जैसे हो गया ना साथ में। तो मैंने कुछ सब्जियां लाई, ज़्यादा कुछ ऐसा लाया नहीं है बस। लोटस को मैं पानी में डाल के रखूंगी, तब ये खिलेगा ना तब आपको दिखाऊंगी। सो सबसे पहले ये तो पाव लाया मैंने, ये इंडियन पाव है, ये वेजिटेरियंस के लिए परफेक्ट होता है। तो ऐसे इंडियन पाव ना लिटिल इंडिया में मिलता है या फिर इंडियन शॉप्स पे ही मिलता है। जो पाव यहाँ पे मिलते हैं ना लोकल बेकरीज वगैरह में, यहाँ पे लोकल जो सिंगापुर के, तो वो उसमें अंडा होता है, तो प्योर वेजिटेरियंस जो हैं वो नहीं खा सकते हैं। एंड उसके साथ मैंने यहाँ लाया है इडली और डोसे का बैटर, क्योंकि मुझे बहुत मन कर रहा है इडली खाने का। एंड उसके लिए मुझे मुरुगन इडली शॉप बोल के वहाँ जाना पड़ता, बट वहाँ जाने का टाइम नहीं है, तो अभी मुझे खाने का मन कर रहा है, कल मैं शायद बना के खाऊंगी, तो इसलिए इडली बैटर लाया मैंने। और साथ ही साथ मैंने लाए टमाटर, बहुत अच्छे टमाटर मिले मुझे आज, एकदम मस्त वाले टमाटर मिले। और गोभी भी एकदम ताज़ी मिली मुझे, अपना गोभी का फूल मतलब एकदम फूल जैसी है, देखिए इतनी ताज़ी गोभी मिली है मुझे, बहुत मस्त गोभी मिली, तो इसलिए मैं गोभी लेके आई ये वाली। गोभी को ना जितना फ्रेश रहता है ना तभी आप बना दो, जिस दिन लाते हो तो बहुत टेस्टी लगता है, आज या कल में बना देना चाहिए। ज्यादा फ्रिज में रख के जब बनाते हो ना वो उतना अच्छा लगता नहीं है गोभी की सब्जी। करेले मेरे फेवरेट, मुझे बहुत पसंद है करेले, आजकल तो मतलब पता नहीं करेले बोले तो ही मुझे ऐसे आस होने लगती है खाने में। क्या है, प्याज है बहुत सारे, इनों के सैशे लाई हूँ, क्योंकि मुझे वो ढोकला जैसा बनाना है ना, तो उसके लिए इनों सैशे लाई। हरी मिर्च लाई हूँ, धनिया लाया मैंने, और ये क्या है, ये एक बैंगन लाई हूँ। प्याज मैंने कितने 3 किलो प्याज लाई हूँ, तो 2 पैकेट प्याज के हैं। 30 सामान लेके आई मैं, एक्चुअली ये सब कुछ मैं यहाँ से भी ले सकती थी, बट सनी एनीवेज जा ही रहे थे ना, तो क्या होता है ना हमारे घर से लिटिल इंडिया का स्टेशन बहुत दूर है, तो मैंने बोला कि सनी को आप अकेले जाओगे बोर हो जाओगे, मैं भी आऊँगी, वैसे भी लिटिल इंडिया जाना बोल तो मुझे बहुत पसंद है, तो मैंने बोला कि चलो मैं भी चलती हूँ, मैं वहाँ डेकोरेशन भी देख लूँगी क्या क्या चल रहा है लिटिल इंडिया में। एंड मैंने दिखाया ना आप लोगों को, इतना प्यारा मार्केट लगा है, दिवाली मार्केट एंड करवा चौथ का मार्केट बहुत सुंदर लगा है। और बहुत जल्द यहाँ पे एक्सपो आने वाला है, जेक सलाम इंडिया एक्सपो, जो लास्ट टाइम मैं दिखाई थी ना आपको एक्सपो हॉल में,
तो वो एक्सपो लगने वाला है 6 से लेके 9 अक्टूबर तक। जो भी मेरे व्लॉग्स देख रहे हैं, अगर आपको पता नहीं होगा तो एक्सपो लगने वाला है, बहुत सारी चीज़ें शॉपिंग कर सकते हैं वहाँ से। इंडिया से आई रहती हो चीज़ें तो फेस्टिवल्स वगैरह पे काम आ जाती है ना, तो अच्छा लगता है वो एक्सपो पे जाने के लिए। एंड ऑल्सो गरबा नाइट होने वाला है ना, बहुत सारी जगहों पे बहुत सारे गरबा नाइट्स होने वाले हैं, बट मेरे एरिया में एक गरबा होने वाला है। मैं और सविता मेरी फ्रेंड जाने वाले हैं, अंकिता का अभी श्योर नहीं है वो ज्वाइन करेगी कि नहीं पता नहीं, वर्षा को भी मुझे पूछना है वो आ रही है क्या, बट मैं और सविता का तो हमारा टिकट हो चुका है तो हम दोनों जा रहे हैं। सिर्फ लेडीज लेडीज जा रहे हैं, हस्बैंड्स नहीं आ रहे हैं। तो हाँ, मैंने लहंगा भी लिया है वर्षा से, मैंने बोरो किया, वो लहंगा आपको दिखाऊंगी बाद में, क्योंकि मेरे पास लहंगा है नहीं, एक ही लहंगा है ब्लू कलर वाला जो दिवाली पे पहना था मैंने 3 साल पहले, वो गरबा जैसा लगता नहीं है तो इसलिए वो लहंगा नहीं पहन रही हूँ मैं। मैं वो वाला जो वर्षा ने दिया है ना, वो एक्चुअली गरबा वाला लहंगा जैसा लगता है तो इसलिए वो पहनने वाली हूँ। फटाफट से छोले भिगो के रखे थे मैंने रात को, तो मैं आज बनाऊंगी छोले, आलू के साथ मिक्स करके छोले बना रही हूँ, और उसके साथ पूरी बनाऊंगी मैं, भटूरे नहीं बना रही, भटूरे बहुत हैवी हो जाते हैं रात के लिए, तो पूरी बनाऊंगी उसके साथ। और अभी के लिए स्नैक टाइम हो गया है हमारा, तो स्नैक के लिए मैं क्या अनार को छीलूंगी एंड अनार खाएंगे हम अभी। सो अब मैं छोले ना उबालने के लिए रख रही हूँ, तो सबसे पहले इसमें मैं डाल देती हूँ चाय की एक टी बैग, चाय की टी बैग क्या होती है, एक टी बैग डाल रही हूँ मैं ताकि छोले में कलर अच्छा आए। और उसके साथ मैं यहाँ डालती हूँ एक बड़ी इलायची, दालचीनी एंड एक तेज पत्ता, इसमें फ्लेवर अच्छा आ जाता है। और इसमें नेक्स्ट डलेगा नमक, सो ओके थोड़ा सा नमक डाल दूंगी अभी, और इसको अभी हम गलाने के लिए रख देंगे। ये अनार हो गए हमारे स्नैकिंग के लिए। एक्चुअली इसमें एक अनार बहुत पका हुआ था जो कि ये डार्क रेड दिख रहा है, एंड ये थोड़ा सा अंडर राइप्ड है बट देन स्वीट है। तो ये रहे दोनों बोल हमारे, ये बोल नए लाए मैंने तो इसलिए इसमें ही सर्व कर रही, जो भी नई चीज़ आती है ना उसमें सर्व करने मुझे बड़ा मज़ा आता है। तो ये रहा सनी का डिश, तो मैं उनको ये दे के आती हूँ, वो ऑफिस का काम कर रहे हैं अभी। जब भी आपको मार्केट में अनार मिले ना, मेक श्योर कीजिए आप खाइए अनार, क्योंकि अनार आपकी बॉडी के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, इसके बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं। मगर एक्सेस भी मत खाइए, सर्दी वर्दी भी हो सकती है, अगर आपकी बॉडी नाजुक है तो सर्दी भी हो सकती है, बट अगर मिल रहा है अनार तो जब भी मिलता है खाइएगा ज़रूर, क्योंकि बहुत अच्छा होता है बॉडी के लिए। और अभी रिसेंटली आई थिंक कल रात को हम एडिडास गए थे, तो वहाँ से मैंने ये वाले खरीदे हैं चप्पल। ये एडिडास में आपको कहीं भी मिल जाएंगे सिंगापुर में, पूरे एडिडास में ये अवेलेबल हैं, तो मुझे बहुत अच्छे लगे ये, एकदम लाइट वेट है एंड घर पे पहन रही हूँ मैं स्टार्टिंग में, क्योंकि शू बाइट ना हो। अगर शू बाइट होना भी है तो घर पहनते पहनते जितने दिन में होना है उतने दिन में शू बाइट हो जाएगा, तो इसीलिए ये वाले लिए। मिनी लिखा है इस पर, मिनी माउस ऐसा है। इसके मैंने पूरे जो दंट होते हैं ना, स्टेम्स निकाल दिए हैं, इससे क्या होता है ना मिर्चियाँ सड़ती नहीं है। एंड इसको क्लीन करने के बाद ना थोड़ी देर से हवा में रखिए बाहर, ताकि इस पर कोई भी मॉइस्चर हो तो हट जाए। एंड कभी भी हरी मिर्च को धो के फ्रिज में मत रखिएगा, क्योंकि वो जल्दी सड़ जाते हैं। जब भी आपको यूज़ करना है बस धो धो के आप ले सकते हो। तो मैंने देखिए पूरा क्लीन करके अब रख दिया है इसको। अब मैं थोड़ा सा ऐसे फ़ैन के नीचे रखूँगी ताकि इसमें से मॉइस्चर निकल जाए, फिर इसको मैं कपड़े की बैग में या प्लास्टिक में पैक करके रख दूँगी। तो यहाँ देखिए आलू को मैं थोड़ा सा फ्राई कर ले रही हूँ, ये आलू ऐसे फ्राइड वाले उसमें डालेंगे ना बहुत टेस्टी लगते हैं। और यहाँ पे हमारी प्याज भुन रही है, तो प्याज अच्छे से ब्राउन होने तक भुनना है। एंड यहाँ टमाटे का प्योरे रेडी है, और यहाँ पे थोड़ा सा अदरक को मैंने पीस के रख लिया है, और ये रहे छोले, छोले भी तैयार हैं। और छोले का जो पानी निकला है ना उसको मैं निकाल के रखी हूँ, ताकि जो छोले में हम पानी डालेंगे ना, अगर ग्रेवी को कंसिस्टेंसी चेंज करना है ग्रेवी की, तो यही पानी को यूज़ कर लेंगे हम। तो छोले में कलर देख सकते हो आप कितना प्यारा कलर आया है, ये चाय की पत्ती की वजह से आया है। देखिए मसाले को कितने अच्छी तरीके से भून लिया है मैंने। सो अब यहाँ देखिए इसमें जाएंगे
छोले। इसमें के जो खड़े मसाले थे वो मैंने निकाल दिए, अगर आप चाहो तो रख भी सकते हो इसमें। सो आलू डाल लिया गया है, अब इसमें मैं ये जो छोले का पानी है इसको डाल दूंगी क्योंकि इसमें उसका टेस्ट होता है। तो अब इसको एक उबाल आने तक पकाऊंगी बस, एंड उसके बाद ये जो हमारे छोले हैं वो तैयार हो जाएंगे। एंड लास्ट में धनिया डालूंगी, एंड आप जिंजर जूलियंस भी डाल सकते हो, अदरक को बारीक काट के भी डाल सकते हो, बट मैं नहीं डाल रही हूँ। थोड़ी सी हरी मिर्च फ्राई कर ले रही हूँ, ये मज़ेदार लगते हैं खाने में। एंड प्याज भी कट कर लूँगी, और अभी पूड़ी का आटा भून रही हूँ मैं। मौसम देखिए कितना प्यारा हो रखा है, सनी बोल रहे हैं कि अभी भूख नहीं है, तो इसलिए मैंने सोचा कि तब तक मैं एक कॉफ़ी बना लूँ अपने लिए। तो मैं यहाँ पे दूध गर्म किया है थोड़ा सा, बिना दूध के मैं कॉफ़ी नहीं पी सकती हूँ, तो इसीलिए दूध डाल लिया है। एंड अभी आई थिंक आज मैं टीवी देखिए सनी कितनी ज़ोर से लगाते हैं, एंड आज आई थिंक मैं ये कर्नाटक वाली इंडिया वाली कॉफ़ी पीऊँगी क्योंकि मेरा सर में बहुत दर्द हो रही है, तो इंटेंसिटी हाई इंटेंसिटी वाला पी रही हूँ मैं। ये देखिए इंटेंसिटी इसका 10 है और इंडिया की है ये, तो आज हम इसको पियेंगे। पूड़ियाँ बन गई हैं और थोड़ी सी बना रही हूँ मैं, एंड फिर हम खाना खाने बैठेंगे। ये मैंने जो मिर्च डाली थी वो, प्याज, नींबू एंड पूड़ी, और ये रहे छोले। फाइनली खाना वाना हो चुका है, एंड इतना ज़्यादा पेट भरा, इतना ज़्यादा इसलिए हम पूड़ी रात को खाते नहीं है, बट दिन में कहाँ कब बनाए यार, सुबह ब्रेकफास्ट के लिए बहुत लेट हो जाता है पूड़ी बनाने तक। ये देखिए कितनी गर्मी थी आज, ऑयली ऑयली हो गया चेहरा। तो अभी बस हम वॉकिंग पे जा रहे हैं, वॉक पर से आने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। सो अभी हम वॉकिंग से वापस आ गए, एंड ये देखिए ये खरीद के लाया फेयर प्राइस से। लेने गई थी मैं ये करी लीव्स लेने गई थी, $1 की चीज़, एंड वापसी में हमने ये लेके आए। ये एक्चुअली ना वॉश होता है, मगर ये ऑटोमेटिक वाला होता है, बस ये वाला सेंसर है जो ये दिख रहा है आपको यहाँ पे, एंड ये वॉल्च कंपनी का है। तो यहाँ पे बस आप अपना हाथ रख दीजिए एंड इसमें से फोम आएगा, तो ये जैसे मॉल वगैरह में होता है ना, तो वैसा वाला है, तो ये बहुत ही यूज़फुल होता है। तो बहुत दिनों से सोच रहे थे सनी की ये खरीदे, बिकॉज ही इज़ अ ऑटोमेटेड पर्सन, मालूम है ना आपको, तो उनको हैंड वॉश पंप दबाने में भी तकलीफ होती है, तो ये बस हाथ रखेंगे और फोम आएगा उनको। इधर ऐसा है, तो ये रहा लिक्विड हैंड वॉश, उसके साथ बैटरीज आई हुई हैं, और ये रहा वो सेंसर वाला पंप जो होता है, पंप नहीं मतलब ऑटोमेटिक जो आता है वो वाला है। तो देखिए अब इसको यहाँ पे रख दिया गया है, अब मैं बताऊंगी ये कैसे काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे बटन है ना, इसको ऑलरेडी हमने ऑन कर दिया, तो ये सेंसर ऑन है अभी। सो अब देखिए जितनी देर मैं हाथ रखूंगी उतना फोम इसमें से आता रहेगा, ठीक है। तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग फोम है इसका, एक और बार दिखाऊं आपको, और यहाँ देखिए सिंक में कितना फोम आया है, अरे अभी भी आए जा रहे हैं। सो दोस्तों फाइनली सब कुछ नहाना धोना फ्रेश होना हो गया है। रात को ये टाइम जो होता है ना मुझे सबसे फेवरेट है, जब नहा के फ्रेश हो के जैसे ही पाउडर गिरता है मेरे बॉडी पे मुझे सबसे मज़ा आता है सबसे ज़्यादा मज़ा आता है। थिंक मेरी बॉडी में कुछ चेंजेस हुए हैं, मुझे जो फील हो रहा है मैं पानी कम पी रही हूँ, क्योंकि मैंने नोटिस किया है मुझे छाती में जैसे जलन जैसा फील होता है रात को, एंड ऑल्सो ये पास्ट 1 वीक से हो रहा है मुझे, ठीक है। तो पास्ट 1 वीक से मैंने फिर रिकॉल किया हर चीज़, तो मुझे पता चला कि मैं पानी बहुत कम पी रही हूँ, तो उसकी वजह से ना देखिए हीट से मुझे पिंपल भी हो रहे हैं, ये वाला हुआ यहाँ पे आईब्रो के पास और ये दो हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो जब मैं पानी कम पीती हूँ तो ये होता है मुझे मालूम है। लास्ट मंथ बहुत अच्छा था क्योंकि मैं इतना ज़्यादा पानी पी रही थी ना, तब मुझे कोई भी प्रॉब्लम ऐसी नहीं हुई। अभी देखिए जैसे ही पानी कम हुआ ना तो शुरू हो जाता है मेरे बॉडी में रिएक्शन। तो हाँ, आज का फूड क्रेडिट जाता है मेरी मम्मी को, जो कि है उन्होंने आलू टिक्की चाट बनाया था, तो उसका पिक्चर मैं अभी डालने वाली हूँ। मम्मी को जिस दिन से मैं खाई थी ना उस दिन से उनका मन कर रहा था खाने का, वो बोल रहे थे कि मुझे तेरे हाथ का खाना है तेरे हाथ। मैंने बोला कि जब तक आप मेरे पास नहीं आ रहे हो आप तो बना के खाओ, मैंने बोला था ना वीडियो में भी कि वो बना के खाएंगे ज़रूर। तो मम्मी ने ना बना के खाया, तो उसका ही वीडियो मैं नेक्स्ट अभी पिक्चर डालने वाली हूँ। देखिए कितना मस्त उन्होंने प्रिपरेशन किया, तवे पे मस्त सा टिक्की बना के रखे, फिर आलू चाट बनाया, एंड उसके साथ अब देखिए कितना यम्मी लग रहा है वो, मतलब
हाँ मेरे मुंह में फिर से पानी आने लग गया अभी. परफेक्ट बनाया उन्होंने. सिर्फ मम्मी के पास अनार नहीं था, बट मैंने बोला अनार नहीं है तो ठीक है, आप फिर भी बना के खाइएगा, आपका मन कर रहा है ना, दैट इज इम्पॉर्टेंट. एंड ऑल्सो मेरे एक सब्सक्राइबर है, उसने भी बनाया था, तो उसका भी मैं फोटो आपके साथ शेयर कर देती हूँ. उसका नाम है रूपी का बबूटा बोल के, आई होप मैं सही से प्रोनाउंस कर रही हूँ आपका सरनेम, बट देन रूपी का बोल देती हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि सरनेम रॉन्ग हो गया तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, मेरा सरनेम कोई गलत बोले तो आई एम श्योर आपको भी अच्छा नहीं लगे, तो इसलिए मैं रूपी का बोलती हूँ. रूपी का मेरी सब्सक्राइबर, उसने मुझे फोटो भेजा था तो मैंने उसका स्क्रीनशॉट निकाल के रख दिया था, क्योंकि वो डिलीट हो जाता है ना उसमें, तो मैंने स्क्रीनशॉट रखा है. उसने भी इतना प्यारा चार्ट बनाया था मालूम, मुझे बहुत अच्छा लगा देख के कि इतना एफर्ट डाल के वो लोग बना रहे हैं, एंड देन फिर मुझे फोटोज भेजते हैं जब भी बनाते हैं. एक्चुअली इसमें क्या होता है मालूम, वो एक फीलिंग है, एक अलग टाइप की फीलिंग है कि आप अपने घर पे कुछ बना रहे हो, ठीक है, एंड उस बीच आप मुझे याद कर रहे हो कि हाँ जैस का मैं ये रेसिपी बना के ट्राई करूँगी, एंड जैस्मिन का ये करेंगे, एंड जैस्मिन ऐसे दिखाई थी कुछ कुछ, तो वो स्पेशल, वो फीलिंग जो है ना वो बहुत प्राइजलेस एंड स्पेशल है कि आप लोग मुझे याद करते हो ना, वो मुझे सबसे अच्छा लगता है. एंड यस आई थिंक फूड क्रेडिट्स दे दिए मैंने मम्मी को एंड रूपिका को, सो ऐसे ही ट्राई करते रहिएगा, अच्छी अच्छी रेसिपीज खाते रहिएगा बना बना के. एक लाइफ है, जो करना है वो करिए, मजे करिए अपनी लाइफ में, अपने आप को रोकिएगा मत किसी भी चीज़ के लिए. तो हाँ मैं आपको मिलती हूँ अपने कल के व्लॉग में. आज का व्लॉग उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए. मैं आपको मिलती हूँ टुमारो, अंटिल देन डू व्हाट मेक्स यू हैप्पी गाइज, बाय बाय, गुड नाइट.